सिवनी मालवा नगर में विगत दिवस एक BUMS डॉक्टर के द्वारा एक बच्चे के उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत के बाद पुलिस ने डॉक्टर नितेश जैन पर मामला दर्ज कर लिया था, परंतु परिजनों एवं समाज के लोगों का रोष कम नहीं हो रहा है। सोमवार शाम बड़ी संख्या में लोगों ने स्थानीय संकट मोचन हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें पूरे मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही जिला चिकित्सा अधिकारी मुर्दाबाद एवं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कैंडल मार्च में मृतक बंस लोबन सिंह की फोटो लिए मृतक के पिता चल रहे थे, वहीं सैकड़ों लोग हाथों में मोमबत्ती लिए नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। कैंडल मार्च हरदा नर्मदापुरम मुख्य मार्ग से होते हुए स्थानीय जयस्तम चौक पहुंचा, जहां सभी ने अपने हाथों की मोमबत्ती को जयस्तम पर लगा मृतक बंस लोबन सिंह को श्रद्धांजलि दी एवं 2 मिनट का मौन भी रखा। मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते हमारे द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमसे बोला गया था कि दोषी डॉक्टर पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, डॉक्टर की जमानत नहीं होगी, पर 3 दिनों में ही डॉक्टर की जमानत हो गई। सिवनी मालवा के अधिकारियों के संरक्षण में ही लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी मांग है कि पूरे मामले की जांच कर हमारे बालक को न्याय मिले, यदि न्याय नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं आप नेता समित पटेल ने कहा कि जो इस बालक के साथ हुआ अन्य किसी बालक के साथ ना हो, जो दोषी डॉक्टर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग इसमें जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। रात के अंधेरे में PM हो गया, रात के अंधेरे में बेटे के शव को उसके गांव हिरणखेड़ा छोड़ दिया गया, मामले को दबाने की कोशिश की गई, यह पूर्ण रूप से पक्षपात दिखता है। हमारी मांग है कि हमारे बालक को न्याय मिले। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद डॉक्टर निदेश मुर्दाबाद डॉक्टर निदेश मासूम बंद लोवन जी को मासूम बंद लोवन जी को फर्जी डिग्री वालों को फर्जी डिग्री वालों को डॉक्टर निदेश डॉक्टर निदेश जमानत हो गई, इसलिए आज हमें बंसलोवंशी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे आना पड़ा, कैंडल मार्च निकालना पड़ा कि कल को दूसरे के बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हो। क्योंकि देखे जब डिग्री नहीं है तो आप क्यों इलाज कर रहे हो, बिना डिग्री के इलाज कर दिया, मासूम बंसलोवंशी की जान चले गई जिसमें, इसके बाद अपनी गलती भी नहीं स्वीकार रहे हो और सारे हथकंडे और सोर्स लगाकर
वो आज जमानत से बाहर आ गए। बताइए, आईपीएस की 304 लगी है और आयुर्वेदिक की 24 धारा लगी है जिसमें जमानत नहीं होती है, उसमें कैसे जमानत मिल गई हमें नहीं मालूम। 304 है, अभी दहेज प्रथा लग जाए, ये रहता ना वो लग जाए तो भी उसमें दो दो तीन तीन महीने जमानत नहीं हो रही। 304 में जमानत हो गई, इसलिए आज हमें कैंडल मार्च निकालना पड़ा। न्याय जरूर मिलेगा ऐसा हमारा आस पास में विश्वास है, जो आप जैसे लोग हो, माँ बाप जिंदा जो लड़ना चाहते हैं अपने बच्चे के न्याय के लिए, हम सब आपके साथ रहे। दो वर्ष पूर्व आज कल मेरी बात हुई इकलानी की एक बहन थी लोवंशी समाज की, उनके परिवार के भी शायद यहाँ आए हैं, काका उनके कौन खड़े हैं, आप ही बताइए क्या हुआ था। अंदर आओ, क्या घटना थी? ये डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन से? हाँ, इंजेक्शन से ही, और जहाँ से मृत्यु हो गई, और यहाँ पे वो वहाँ कौन सा हॉस्पिटल खुला था, अशोक मेडिकल है ना, वो अपना अशोक भैया अशोक भलापुरा वाले पप्पू भैया, वहाँ से हॉस्पिटल में उन्होंने पहुँचा दिया। अच्छा, वहाँ से पहुँचाने के बाद वो वहाँ से घोषित उसने कर दी, भैया वो तो मरी हुई, आपने लेके आया यहाँ से, तो इन्होंने भी इंजेक्शन लगाया था, डॉक्टर नितेश जी ने इंजेक्शन लगाया, इन्होंने इंजेक्शन लगा पूछा था ना, जिगलानी के रहने वाले, जिगलानी के थे वो। फिर आपने इसकी शिकायत करी थी कहीं? अरे कोई मददगारी था ना उसको, रात की बात थी, 8 बजे रात की बात थी, पिता थी वो, बेटी के बेटे वो बीमार थे, वो भी तो मेरे को तो रात को 8 बजे। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये पूरे क्षेत्र में कम से कम 4-5 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और इन्हीं के हाथ 3 घटना हो चुकी है, और इन्हीं के हाथ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले गाडरी मोहल्ले का भी एक केस आया था, वो भी विशेष करके अपने यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है जिसके अंतर्गत ही अपनी पूरी तहसील आती है, स्वास्थ्य अमला आता है, ये कहीं उनकी मिली भगत है। साथ साथ पैसे दे रहे हैं बिना डिग्री वाले, पूरे आयुर्वेदिक वाले इंजेक्शन बाटा लगा रहे हैं, तो बहुत पूरे लगा रहे हैं, आज हमें एक पे भी कार्रवाई नहीं हो रही। आसन ने उस दिन क्या भरोसा दिया था, नहीं भाई न्याय पूरे तरह काय का न्याय हुआ, गरीबा मोदी हो गई, 2 दिन में फैसला बदल दिया था। मुर्दाबाद। आज ये संकल्प लेना है कि बेटे वंश की को न्याय नहीं मिले जब तक हमें लड़ाई जारी रखना है। सारे भाइयों को जो बधाई के पास हैं उनसे ये आशा करता हूँ कि ये भी हमें कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए साहस बांधे, हम बिल्कुल जंग जीतेंगे और न्याय मिलेगा हमारे बेटे को। आप लोग जो तय करेंगे रवि भैया, आप लोगों का परिवार, उससे हम सब लोग इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ बिल्कुल हैं, जहाँ तक आप चलोगे सब हम लोग भी चलेंगे। हाँ। तो ये एक आपकी बात नहीं है, हाँ, पूरे क्षेत्र की बात है, कल को फिर किसी के साथ ना हो, इसलिए सबको ये घटना आगे घटित ना हो और किसी के साथ इस पर। अरे वो छोटे आदमी को कहीं भी दबा सकते हैं, क्या मेन बात की है ना, नहीं छोटा आदमी से आगे नहीं जा पाए, पब्लिक के सामने कोई छोटा कितने दिन थोड़ी साथ चलेगी, कोई छोटे आदमी की आवाज में बहुत दम है, दम तो है, मान ली अपने। देखो तो हम चिल्ला चोट नहीं करते तो उस दिन रात में जल जाता, धक्के से वो छोड़ के आए वंशलो वंशी को, वहाँ छोड़ के आए कि नहीं बता तो फिर वो तो दबा रहे थे। पत्रकार बंधु है, इनकी सजगता के कारण मीडिया कर्मियों ने प्रयोग किया, आज भी करा, और ऐसा विश्वास है कि आगे भी इस केस के माध्यम से बिल्कुल उसको पूर्ण रूप से खत्म करेंगे। नहीं नहीं, अपन ज्ञापन बनाया क्या? आज ज्ञापन नहीं बनाया, कल ज्ञापन दे देते हैं, एक तो वो छूट गया है, इसलिए अपन चक्का जाम करने की सोच रहे हैं। नहीं, चक्का जाम नहीं करेंगे, अपन धरना दे सकते हैं और ज्ञापन बुलडोजर की मांग कर सकते हैं, बुलडोजर की मांग, स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ से निलंबित करने की मांग है, क्योंकि पीछे मकान अवैध बनाया उनका, अवैध है ना, अवैध बना मजार के पास, अतिक्रमण में है, बुलडोजर चलना ही चाहिए, बस हमारी एक ही मांग है कि उसको बिल्डोजर चलाया जाए मकान के ऊपर, उसके मेडिकल के ऊपर, और अगर प्रशासन नहीं कुछ कर रहा है तो वो तो अस्पताल भी दे सकते हैं। अभी तो वर्तमान में अस्पताल सील है, अगर सील खोली गई तो और बड़ा उग्र आंदोलन होगा, अस्पताल अभी सील करा है मेडिकल ऑफिसरों ने आके चूनी मालवा से, और अगर सील अगर अस्पताल की खोली गई तो और उग्र आंदोलन होगा, और शासन से भी हम मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चले। सभी जो पुलिस थाने में थे उस दिन उन सभी की लिस्ट मिल रहा था, जो भी था लोग करवा कि ये तू नहीं तेरी डिग्री बता तेरी डिग्री तो क्या है, क्या औकात है तेरी, जो तू इसकी पूरी पब्लिक को चैलेंज कर, तू
सबकी लिस्ट किस लिए मांग रहा है, तू क्या करना चाहता है पब्लिक के साथ? मेरे भी हाथ पर जोड़े होते हैं, इनका हाथ पर मत बोलना, अगर सब लोग इकट्ठा होकर थाने में बुलवा दूंगा ना, बात समझ में आ जाएगी। अपनी मांग है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर लोवंशी। किस बात को लेकर आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरे बेटे बंस लोवंशी की डॉक्टर नीतीश जैन के द्वारा इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई, उसके खिलाफ में ये धरना है और आज कैंडल मार्च करा हमने, और हम चाहते हैं कि नीतीश जैन की जो बिल्डिंग है वो अवैध जगह में बनी हुई है, उसको उस पर बिल्डोजर चलाया जाए और उसकी जो जमानत मिली है वो उसको जब्त की जाए, नहीं तो कल धरने दो दिन के अंदर नहीं हुआ तो धरना, दो दिन के बाद नहीं तो हम धरना करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सर्व लोवंशी। किस बात को लेकर आज आप विरोध प्रदर्शन? मैं आज अपने बालक वंश की आत्मा की शांति के लिए ये सारा प्रदर्शन कर रहा हूँ, और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये सारा प्रदर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन ने आज उसको जमानत पर छोड़ दिया है, बल्कि 304 की धारा लगने के बाद वो नहीं छूटना था, ये प्रशासन ने मेरे को आश्वासन दिया था कि मैं 304 की धारा लगा रहा हूँ, मैं इन दोषियों को नहीं छोड़ूंगा, मगर आज उसको छोड़ दिया है। हमारी ये मांग है कि उसको डबल से अंदर गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए, और जो वर्तमान में जो जैन की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो अवैध बनी हुई है उसको भी तोड़ा जाए, और जो अधिकारी और जो डॉक्टर सब मिले हुए हैं उनकी भी जांच की जाए, जो मैडम स्वास्थ्य अधिकारी क्रांति मैडम भास्कर उनकी संरक्षण में ये पूरा काम हुआ है, यानी रात को 8 बजे उन लोगों ने मेरे बालक का पोस्टमार्टम किया, बल्कि उसके मम्मी पापा दोनों ही थे, तीसरा आदमी कोई नहीं था, जबरदस्ती उन लोगों ने उसका ऑपरेशन किया है, पोस्टमार्टम किया है यानी, और बाडी जबरदस्ती उनकी गाड़ी से छोड़ के प्रशासन हिरनखेड़ा आ गया, ये टीआई की गाड़ी से गए थे वो सब लोग, सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसके बाद भी इनने 8:30 बजे रात को मेरे बालक का पोस्टमार्टम किया यानी, इसलिए मैं सभी से ये प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि मेरे बालक वंश को न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, चाहे मेरे को 1 महीना लग जाए भूख हड़ताल पर, जब तक मेरे बालक को न्याय नहीं मिलेगा मैं अकेला चाहे भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मगर भूख हड़ताल पर बैठूंगा बिल्कुल, और मेरे को न्याय चाहिए बस। जय श्री महाकाल। किस विषय को लेकर आज आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज हमारे बीच में हमारा बालक वंश लोवंशी का देहांत हो गया था डॉक्टर की लापरवाही के कारण, जिसके लिए हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि कैंडल मार्च निकाला, और हमारी ये मांग है कि जो इस बालक के साथ हुआ अन्य किसी बालक के साथ नहीं हो, और जो दोषी डॉक्टर प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग इसमें जिम्मेदार है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रात के अंधेरे में पीएम हो गया, रात के अंधेरे में बेटे को उसके गांव हिरणखेड़ा छोड़ दिया गया, और पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी, ये पूर्ण रूप से पक्षपात दिखता है। हमारी मांग है कि हमारे बालक को न्याय मिले।